जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने का क्या विधान है? आप कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इसका व्रत करते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा करने से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री का मन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक महीने में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से और बद्री काश्रम में रहने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। गो तथा भूमि और स्वर्ण का दान भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत सूर्य के समान है। हे अर्जुन, सुनो, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, महीध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका एक भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। जहाँ एक और बड़ा भाई धर्म कार्यों में लीन रहता, हमेशा धर्म कर्म करता, पूजा करता, वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई से ही द्वेष रखता। एक दिन मौका पाकर छोटे भाई वज्रध्वज ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और किसी को इस बात का पता न चले, इसके लिए उसने अपने भाई के शव को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की यह मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा प्रेत बन गया। जहाँ पर उसका शव गाड़ा गया था, उसी की पीपल के पेड़ पर उसका वास हो गया। राजा की अतृप्त आत्मा पीपल के पेड़ से पास के गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगी। एक समय की बात है, एक ऋषि उस पेड़ के पास से जा रहे थे। राजा की आत्मा ने उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया और उसके प्रेत बनने के कारण का पता लगाया। इसके बाद जब ऋषि को पता लगा कि राजा के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तब उन ऋषि ने खुद ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन राजा की आत्मा की मुक्ति के लिए घोर तप व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने ऋषि की एक प्रेत के प्रति निष्ठा देखकर उन्हें दर्शन दिए और ऋषि की इच्छा अनुसार राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और उसे स्वर्ग लोक में स्थान दिया। आज के दिन एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। हर मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने से, इसके सुनने से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम अषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।